भैया आपने सिर्फ यकीन में से पढ़ा है और 685 ला रहे हो। भैया आपने पीडब्ल्यू के अलावा कहीं से नहीं पढ़ा। भैया आप झूठ बोल रहे हो ना। क्या सच में यकीन बैच से पढ़ के 685 लाया जा सकता है? भैया एक डिटेल वीडियो बनाओ ना कैसे यकीन बैच से पढ़ के इतना स्कोर किया जा सकता है, 650 प्लस लाया जा सकता है। तो गाइस ऐसे बहुत सारी जगहों से मेरे को कमेंट्स आ रहे थे यकीन बैच से, तो 5 मिनट इस वीडियो में रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यकीन बैच से क्या ये पॉसिबल है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि यकीन बैच से मैंने कैसे कैसे किया और 685 तक मैं कैसे पहुंचा। मेरे मार्क्स 200 आते थे और मेरे आज 685 कैसे आ रहे हैं वो बताने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं कौन हूँ जो ये बता सकता हूँ। तो गाइस मेरा नाम जुबैर आलम है और मैंने इस साल 685 स्कोर किया है नीट में। मेरी रैंक 1210 है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने आगे यकीन वैसे सिर्फ कैसे किया। बाकी मैंने लास्ट ईयर विद्यापीठ भी ज्वाइन किया, वहाँ से भी काफी हेल्प हुई, काफी सारे टेस्ट दिए, काफी सारे रिविजन की लेक्चर्स भी वहाँ पे भी देखे, इसलिए मैं शायद एलिजिबल हूँ ये बताने के लिए कि मैंने कैसे किया। ठीक है, और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आजकल, तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है, मोटिवेट होता हूँ मैं बनाने के लिए। ऐसे कमेंट्स करते रहो, डाउट्स पूछते रहना, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ और रिप्लाई दिए भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो मैं सब कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगा, बहुत ही जल्दी बता दूंगा, टाइम नहीं लूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मैं सबसे पहले लेक्चर लेता था, मेरे को जैसे 200 मार्क्स आते थे इनिशियली मेरे मार्क्स में, तो लेक्चर लेना मेरे जरूरी था, मेरे को आता नहीं था, इसलिए तो मैंने सबसे पहले लेक्चर लेता था यकीन बैच के। ठीक है, तो मैं यकीन बैच के लेक्चर लेना स्टार्ट किया। लेक्चर लेता था तो मैं 3 क्लास लगती थी मेरी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मेरे 4 से 6 घंटे इसमें चले जाते थे। लेक्चर के साथ ही मैं नोट्स बनाया करता था, नोट्स में मैं जो टीचर लिखवा रहे हैं वो तो लिखता ही था, साथ ही साथ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो करवाते थे, इंपॉर्टेंट जो मेरे से नहीं हुए वो मैं लिख लेता था। सारे क्वेश्चन मैं नहीं लिखता था, जो मेरे से सॉल्व हो गए वो छोड़ देता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते थे और सॉल्व हो भी रहे हैं वो मैं लिख लेता था, और हार्ड होते हैं जो वो भी लिख लेता था, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन वो लिख लिया करता था। तो ऐसे मैं नोट्स अपने सेल्फ नोट्स बनाता था, और ये जरूरी होता है गाइस, देखो सेल्फ नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हर वीडियो में अपने बताता भी हूँ, स्टार्टिंग से आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में अभी आप मतलब स्टार्ट करोगे, अभी टाइम है आपके पास, तो सेल्फ नोट्स बना, मैं उसी को पढ़ता था और उसी से ऐसा हो पाया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी की रीडिंग करता था मैं, जैसे कि मैं लेक्चर नोट्स बना लिए थे, एनसीईआरटी की रीडिंग करता था, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करता था। जैसे बायो मैंने पढ़ लिया, बायो की क्लास ले, बायो के जो क्लास में पढ़ाया उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, या ऑर्गेनिक एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की वो पढ़ लिया, या इंटेक्स क्वेश्चन कर लिया, तो 1 से 2 घंटा मेरा एनसीईआरटी के लिए फिक्स हो जाता था। और ये जरूरी भी रहता है क्योंकि एनसीईआरटी का आप जानते हो सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है भाई, तो इसलिए मैं उसके 1-2 घंटे एनसीईआरटी को दे दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे नोट्स रिवाइज, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लेक्चर के दौरान सारे नोट्स बना लिए थे, तो उसी डे पे सेम डे को जिस दिन मैं लेक्चर देखा है उस नोट्स को जो मैंने उस दिन बनाया कम से कम उनको रिवाइज कर लेता था, और अगले दिन भी मैं कोशिश करता था, जैसे नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट न्यू लेक्चर्स देख रहा हूँ अगले वो आगे के, तो मैं पुराना वाला भी एक बार देख लूँ, रिकॉल कर लूँ, तो उससे ज़्यादा सही रहता है। ऐसा कोशिश मैं करता था, ट्राई करता था और हो भी जाता था बहुत हद तक। ठीक है, जितना भाई देखो ऐसा है 100% तो कोई कर ही नहीं पाया, आइडियल कुछ भी नहीं होता है, आइडियल नहीं हो पाता है 100% तो हो नहीं पाता। प्रैक्टिकल यही है कि बंदे करने बैठते हैं, बोलने में तो बड़ा आसान होता है लेकिन करने में लगता है, तो लेकिन जितना हम मैक्सिमम इनपुट दे पाए वो तो हम करेंगे ना, और जो मैक्सिमम इनपुट देता है वही सिलेक्शन ले जाता है, ये रहता है और टॉपर तक बन जाता है। तो नोट्स रिवीजन में मेरा 1 घंटा चला जाता था, सारे जो मैंने उस डे पे लेक्चर्स देखे उनके नोट्स उसमें 1 घंटा मैंने निकाल दिया, ऐसे हो जाता। उसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूं, फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, डीपीपीज तो करनी है मेरे को, मैंने किए थे डीपीपीज तो करी थे, और साथ में मैंने फिजिक्स के मॉड्यूल्स लगाए थे, फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं स्पेशली, क्योंकि उसी का मैंने मॉड्यूल्स लगाए हैं ज्यादा, बाकी मैंने डीपीपीज बहुत करे हैं, टेस्ट से हो गया था तो हो गया। तो डीपीपीज और मॉड्यूल्स जो मैंने लगाता था उसमें जो क्वेश्चन नहीं होते थे उनके सॉल्यूशन भी देखता था, उनको लिखता भी था, तो इसमें मेरे 3 घंटा लगभग चला जाता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान भी देता था भाई, क्योंकि जरूरी भी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपकी वीक है तो उसके लिए आप अलग से टाइम निकाल सकते हो, उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बिकॉज वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपके मार्क्स घटाती है टेस्ट में। तो वीक के लिए अगर कुछ है कि कमजोर ये इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं किसी एरिया से किसी टॉपिक से, तो उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो अलग से। तो मैं 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दिया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि रिवीजन आप स्टार्टिंग से रखना, कंपटीशन वैसे ही बढ़ रहा है, स्टार्टिंग से आपको रिवीजन करना होगा, तो मैं डेली 2 आवर्स रिवीजन का रखा करता था, जिसमें मैं पुराना रिवाइज करता था, अब चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो मेरे नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट में किए गलती से हो, ये सारी चीज़ें मैं उस 2 आवर्स में पुराना रिवाइज करता रहता था, जो कि मैंने आपने रिवीजन मेथड बताया पिछले वीडियो में, काफ़ी बढ़िया मेथड था, वही वाला फॉलो करता था, और उसी से मेरे आज मार्क्स आ रहे हैं 685। तो रिवीजन में 2 आवर्स दे दिया। उसके बाद एक पॉइंट आता है ना वीक एरियाज, ये मैं बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि देखो आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं 300 आ रहे होंगे, 400, 500 जितने भी आ रहे हैं, 600 प्लस भी आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ जगहों से अभी भी क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, तो आपका वीक एरिया होगा, है ना। तो अगर आप उसे भी सही कर लो, उसे भी लर्न कर लो कि हाँ क्या है, और उसके क्वेश्चन भी लगा लो अच्छे से, और वो भी कभी गलत ना हो, यानी कि मार्क्स इंक्रीज तो होंगे, तो वीक एरियाज बहुत जरूरी होते हैं गाइस। अभी आपके पास टाइम भी, आपको वीक एरियाज पे बहुत फोकस करना है। जितने भी आपने नीट अगर दिया है तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई थी, कौन से चैप्टर से गलतियाँ हुई थी, उनकी एक लिस्ट बनाओ। मैंने यही किया था, मैंने अपने वीडियो में शायद नहीं बताया, मैं इसका शॉर्ट लाऊंगा, मैंने एक शॉर्ट्स बना दूंगा इसके ऊपर। बढ़िया स्ट्रेटजी बनी थी कि जैसे नीट एग्जाम हुआ था ना, तो उसके बाद मैंने अपनी जितनी भी गलतियाँ मैंने नीट एग्जाम में की थी 22 में, तो उनको मैंने एक लिस्ट में बना दिया था, और वो चेकलिस्ट टाइप की बना ली थी, और उसी को मैं पूरे ईयर चेकलिस्ट को साइन करके गया, हाँ टिक हो गया, ये ठीक हो गया, हाँ ये ठीक हो गया, तो उस पर टिक कर देता था। ठीक है, और ऐसे मेरा बहुत बढ़िया हो गया था, क्योंकि जितने भी रियाज थे मैंने सबको टिक कर दिया था, और लास्ट तक मेरा सब स्ट्रॉन्ग हो गया था, और ये जरूरी भी है, क्योंकि मार्क्स तो वहीं से कट रहे होंगे मेनली, जो वहीं से कटते हैं जो कि वीक होता है हमारा, तो उसी को स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर ले। तो इस पर भी ध्यान देना है, इस पर भी मैं टाइम रखता था, इसके लिए मैं लगभग 1-2 आवर्स रख लेता था, उसने मेरा हो जाता था। टेस्ट में जो भी मतलब गलत होते थे उनसे वीक रियाज बनता है कि यहाँ यहाँ से गलती है, इसीलिए टेस्ट आपको ऐसे तो एनालाइज करता है, टेस्ट इसलिए ज़्यादा देने होते हैं, पर वीक आप दे सकते हो अभी लास्ट में और ज़्यादा देना।
इससे जो टेस्ट में गलतियां हो रही है उन पे ज्यादा फोकस करना। तो यही थी इस वीडियो में, बहुत ही छोटी मैंने वीडियो बनाई लेकिन उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है जानबूझ के, क्योंकि टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। और उसमें मैंने सब कुछ बता दिया कैसे मैं नीट के यकीन बैच, नीट के लिए यकीन बैच से मैंने किस तरह से किया, और मैं 200 से अभी 685 मार्क्स बनाए, 200 मेरे मार्क्स में आते थे इनिशियली जिसमें मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने यकीन बैच से बता दिया कि किस तरह से मैंने किया और मैं यकीन बैच से भी पढ़ा, तो इसलिए बताया मैं। तो इस वीडियो में बस यही था, और कोई अगर डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मैंने सारे कमेंट्स रिप्लाई दिया और ऐसे प्यार बनाया मैंने आपको बनाया हुआ है। तो थैंक यू गाइस, चलता हूं। तो एक और बात आपको बताई थी कमेंट्स में, बता देना कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछना, मतलब मेरे को जितना पता होगा जितनी मैं हेल्प करूंगा मैं करूंगा, मैं वीडियो लेके आऊंगा उस पर नेक्स्ट, और जितना शॉर्ट हो सके मैं उतना शॉर्ट लेके आऊंगा ताकि आपका टाइम भी सेव हो और फालतू बातें नहीं होगी गाइस, सिर्फ जो आपको नीड है उतनी होगी।